सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी यानी कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो अभिषेक, यहां पर अमिताभ बच्चन का लगभग पूरा परिवार, अगर जया को छोड़ दिया जाए, जया बच्चन को छोड़ दिया जाए, तो सभी लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल पहले ऐश्वर्या और आराध्या की जो पहली रिपोर्ट थी वो निगेटिव आई थी, लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद में परिवार के चार लोग संक्रमित हैं, पांच में से चार लोगों को कोरोना। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन की रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पहले दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ चुकी है। अमिताभ का जलसा बंगला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पहले दरअसल ऐश्वर्या और आराध्या दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन अब उन दोनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यानी कि अमिताभ बच्चन के परिवार की बात करें तो चार, यहां पर पांच में से चार लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, यानी बॉलीवुड पूरी तरीके से कोरोना की चपेट में आता नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी देवांशु मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। देवांशु, पांच में से चार लोग संक्रमित हैं अमिताभ बच्चन के परिवार के। देखिए बिल्कुल वरांशी, कल रात को ये खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन उसके बाद उनके बेटे ने भी ये ट्वीट किया, अभिषेक बच्चन ने, कि वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हालांकि सुबह से खबर ये आ रही थी कि ऐश्वर्या राय और उनकी जो बेटी आराध्या है उनका टेस्ट कराया गया है, वो नेगेटिव पाई गई है, लेकिन उनका जिस तरीके से अब दोबारा से टेस्ट कराया गया और वो पॉजिटिव पाई गई है, तो बेहद दुखद ये खबर है। और हम कह सकते हैं कि इनकी फैमिली में से चार लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और अभिषेक बच्चन की वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन और उसके साथ साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन। तो ऐसे में बेहद चिंता का विषय है। आराध्या की तो उम्र अभी काफी कम है, ऐसे में बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन जो है वो नानावती अस्पताल में भर्ती हैं, उनका लगातार इलाज चल रहा है। देवांशु, यहाँ पर ऐश्वर्या की और अगर आराध्या की बात कर ले तो उनकी हालत कैसी बताई जा रही है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए चारों की बात करें तो चारों जो है वो माइल्ड सिम्टम उनमें हैं, और अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन जी ने तो खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो उनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं, और इसके साथ साथ ऐश्वर्या राय और उनकी जो बेटी हैं उनमें भी माइल्ड सिम्टम पाए गए थे। हालांकि पहली रिपोर्ट उनकी जो है नेगेटिव पाई गई थी और डॉक्टरों को शक हुआ और यही वजह है कि दोबारा उनका टेस्ट कराया गया जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई हैं। तो कुल मिला के पूरी फैमिली को अब क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो उनके बंगले में स्टाफ है उनको भी अब क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं फैमिली के बाद जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके टेस्ट कराए जाएंगे, और उनमें से अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनको क्वारंटाइन और आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन बेहद चिंता का विषय यहाँ पर अमिताभ बच्चन और आराध्या बच्चन के लिए, क्योंकि दोनों की उम्र ऐसी है कि कोरोना जो है उन पर ज्यादा अटैक कर सकता है। देखिए बिल्कुल वरांशी, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जिनकी उम्र 60 से ज्यादा होती है यानी कि वो सीनियर सिटीजन होते हैं, और इसके साथ साथ जिनकी उम्र 10 से कम होती है यानी कि वो बच्चे होते हैं, तो इन दोनों को कोरोना जो है काफी तेज अटैक करता है, और एसिम्टोमेटिक से माइल्ड सिम्टम्स बहुत जो है जल्दी इनमें हो जाते हैं, और पेशेंट जो है वो सीरियस हो सकता है अगर डॉक्टर्स जो हैं समय पर उनको इलाज ना दें और जो जो पेशेंट है वो अपनी केयर ना करे। तो ऐसे में इन दोनों को खतरा ज्यादा है, ऐसे में डॉक्टर्स लगातार निगरानी करे हुए हैं और इन दोनों की खासकर जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसकी कोशिश की जाए। देवांशु, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे जया बच्चन को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए जया बच्चन को लेकर अभी कुछ खास अपडेट नहीं मिल पाया है, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी, दोबारा क्या रिपोर्ट आई है उनकी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन खबर अभी यही मिल पाई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी जो आराध्या बच्चन है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पाई गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।